हेलो फ्रेंड्स, और आज की रेसिपी है बेदमी पूरी। उसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी उड़द दाल का पेस्ट। इसे मैंने 3-4 घंटे भिगोकर पीस लिया है। इसमें डालेंगे 1 कटोरी सूजी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को हम अच्छे तरह मिला लेंगे। में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा गूंदने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। बीस मिनट के बाद हम आटे को फिर से एक बार गूंद लेंगे। थोड़ा सा आटा लेकर हम उसे इक्वल पोर्शन में बांट लेंगे। अब आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर इसकी पूरियां बेल लेंगे। पूरियों को हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। अब हम इसे गरम तेल में तल लेंगे। पूरियों को हमें हाई फ्लेम में ही तलना है और तेल अच्छा गरम होना चाहिए। पूरियों को पलट पलट कर हम दोनों तरफ से लाइट ब्राउन होने तक तल लेंगे। अब हमारी पूरियां तैयार हैं। अब हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को तल लेंगे।
बेदमी पूरी तैयार।